लोग यहाँ से हटाएंगे, एक नहीं यहाँ से लेकर जितना फसा रहा है सब हटाएंगे। और दो दिन बाद हम आएंगे देखेंगे, अगर ये सब पसारा हटाए तो ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे फिर, लेकिन अगर ये नहीं हटा रहा तो फिर आगे की कार्रवाई हम आगे तक जाएंगे। दुनिया शहर के स्कूल नंबर 25 स्कूल के टीचरों की तरफ से एक पालक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अहम मुद्दे स्कूल की सफाई, स्कूल में गैर कानूनी अतिक्रमण और बच्चों की सेहत थी। स्कूल की हेडमास्टर नूर जमाल मैडम की तकरीर के बाद जैसे ही अब्दुल हफीज अब्दुल्लाह अंसारी ने अपनी तकरीर शुरू की और गैर कानूनी अतिक्रमण और बच्चों की सेहत के बारे में बोलना शुरू किया, तो स्कूल में मौजूद सभी पालक गुस्से में आ गए और तुरंत उठकर अतिक्रमण धारकों के घर जाकर उन्हें 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 दिनों में अतिक्रमण नहीं निकाला गया तो फिर सारी महिलाएं आयुक्तों के पास और पुलिस स्टेशन जाएंगी। दरअसल स्कूल में अतिक्रमण करने की बात कुछ इस तरह है कि चांदतारा चौक स्कूल के कंपाउंड के से लगकर अतिक्रमण पर रह रहे लोगों ने अब स्कूल के कंपाउंड में भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। स्कूल के कंपाउंड में गाय लाकर बांधना शुरू कर दिया है और स्कूल के पीछे के ग्राउंड में सैकड़ों टायर, लकड़ी, प्लास्टिक, भंगार वगैरह भर दिया है, जिसकी वजह से स्कूल में सांप बिच्छू का आने का खतरा है और बच्चों की जान को खतरा है। स्कूल के पालकों ने आवाम से अपील की है कि अतिक्रमण निकालने में उनकी मदद करें और स्कूल के बच्चों को जाने नुकसान से बचाए। आज हम लोग स्कूल नंबर 25 में आए थे। ये जो है स्कूल में गंदगी का जो एक मसला है कि भाई स्कूल की जगह पर जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, टायर है, भंगार पूरा पड़ा हुआ है, कचरा है। कचरे की वजह से स्कूल के अंदर जो है तो टीचर लोग जो है तो खिड़की बंद करके रखे, इसलिए बंद करके रखे है कि खिड़की के अंदर से बदबू जाती है और कीड़े मकोड़े जाने का डर है, जिससे बच्चों को खतरा है। अब ये जो जगह है तो यहाँ पर गाय बांधी जाती है, गाड़ियाँ खड़ी है। अब अगर ये सब चीज़ों से बच्चों की सेहत को बहुत धोखा है, इसीलिए आज स्कूल नंबर 25 के जितने पेरेंट्स थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब महिला जागरूक होकर यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि भाई यहाँ पर जो आप लोगों ने अतिक्रमण किया है, जो गंदगी की है, जो टायर है, ये सब निकाला जाए। और रही बात की भाई ये जो स्कूल है तो सभी की स्कूल है, जो लोग यहाँ पर गंदगी करे उनके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं और जो मतलब पूरी कौम की समाज की स्कूल है, तो इसलिए इन लोगों को आज इन्होंने वार्निंग दी है कि भाई 2 दिन के अंदर अगर आप लोग नहीं निकालते तो फिर 2 दिन के बाद फिर ये महिलाएं ऐसी जमा होकर आएगी और फिर आगे जो कार्रवाई है आयुक्त साहब के तरफ पुलिस स्टेशन में जो भी है आगे की कार्रवाई कायदे से कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ने इनको यहाँ पर समझा कर बोले कि देखो आप हम सब एक ही है, हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आए, सिर्फ साफ सफाई के लिए आए कि हमारे बच्चों को यहाँ माहौल साफ सुथरा मिले, उनको मच्छर ना काटे, उनको ये सब पसारे के वजह से उनको हवा नहीं लगती, बच्चे घर पे आके बोलते कि हमको हवा नहीं लगती, खिड़की बंद रहती, तो इसके लिए यहाँ पर रहने वालों से हमने गुजारिश करे कि ये सब हटाओ। और सब लोग यहाँ से हटाएंगे, एक नहीं यहाँ से लेकर जितना पसारा है सब हटाएंगे। और 2 दिन बाद हम आएंगे देखेंगे, अगर ये सब पसारा हटाए तो ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे फिर, लेकिन अगर ये नहीं हटा रहा तो फिर आगे की कार्रवाई हम आगे तक जाएंगे। इन्होंने हमको बोले कि ये हटाने वाले, तो हम आएंगे सब इंशाल्लाह, फिर के रोज और आएंगे और देखेंगे कि सब पसारा हटाए या नहीं।